गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्रों ने हॉस्टल खाली कराए जाने पर प्रशासनिक कार्यालय व तरंग क्रॉसिंग पर मुख्यमंत्री से शिकायत करने के लिए प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि बुधवार की देर रात दो गुटों में मारपीट हुई थी, जिसमें एक गुट ने गोली भी फायर किया था। वहीं घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची कैंट पुलिस ने वार्डन की तहरीर पर छात्र हिमांशु सिंह और यशपाल सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस दबिश दे रही है। बताया जा रहा है कि हिमांशु सिंह और यशपाल सिंह छात्र संघ चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे। दोनों छात्रावास का कमरा कब्जा करके रहते थे। बुधवार को फायरिंग के बाद छात्रों ने दो कमरों में आग लगा दी। मनभड़ों के जाने के बाद आग पर काबू पाया गया, जिसके बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्रों से छात्रावास खाली करने के लिए निर्देश दे दिया, जिसके बाद छात्र विश्वविद्यालय से निकलकर मुख्यमंत्री से मिलने गोरखनाथ मंदिर जा रहे थे, जिनको पुलिस ने तरंग क्रॉसिंग पर रोक लिया। हालांकि छात्रों के दबाव के कारण पुलिस प्रशासन ने पांच छात्रों को ज्ञापन के साथ गोरखनाथ मंदिर जाने की अनुमति दी, जिसके संबंध में अपर नगर मजिस्ट्रेट प्रथम विनय कुमार पांडे ने बताया कि गोरखपुर विश्वविद्यालय प्रशासन ने हॉस्टल खाली करने के लिए निर्देशित किया है, जिससे छात्र नाराज हैं और मुख्यमंत्री से शिकायत करने के लिए जा रहे थे, जिनसे बात करके उनकी बातों को सुना जा रहा है और पांच छात्रों को बात करने के लिए गोरखनाथ मंदिर भेजा गया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्र गौतम यादव और अपर नगर मजिस्ट्रेट विनय कुमार पांडे ने कहा, हमारे गार्जियन साहब को फोन करते हैं, भाई सुनो यार, खाना खाए, गार्जियन साहब को फोन करते हैं, कुछ पढ़ाई हो रही है, क्या घंटा पढ़ाई हो रही है, जब जब विश्वविद्यालय डरता है इसको आगे करता है, जब जब विश्वविद्यालय डरता है इसको आगे करता है, जब जब विश्वविद्यालय डरता है इसको आगे करता है। अरे ये अंदर की बात है, पुलिस हमारे साथ है। गेट फोर 30 बाकी तो आज सवाल है, यही तो मुद्दा है।
कैंपस हम लोगों का पूरा निर्लज्ज हो गया है, पूरा व्यवस्था एकदम फैला दिया गया है, बार 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 मेंटेनेंस के नाम पे गौतम यादव। सड़क बिना आदेश किए, बिना कोई नोटिस दिए हॉस्टल में रहे लीगल छात्रों को निकाल दिया गया, ताला मार दिया गया, वहाँ की लाइटें काट दी गई और ये नहीं बताया जा रहा कहाँ आप जाएं। अभी सत्र जो कि यहाँ तक खत्म नहीं हुआ अभी, और ये लोग बिना कुछ कहे हम लोग को, इन आम छात्रों को बाहर कर दिए हैं। मांगे यही है कि हम लोग को कोई दूसरी व्यवस्था ही करे, वहाँ शिफ्ट करे, अगर उनको मरम्मत के हिसाब से अगर बाहर किया जा रहा है तो बताए कहाँ जाएंगे हम लोग ये लड़के, इसकी बताए व्यवस्था करें। इनका मामला कुछ हॉस्टल संबंधी जो आवास के बारे में यूनिवर्सिटी ने इनके द्वारा जो बताया गया है, निर्णय लिया गया है, तो इनके अनुसार उचित नहीं है। ये कह रहे हैं कि हमारे हॉस्टल की बिजली पानी की सप्लाई बंद कर दी गई है, तो हमारा यही कहना है कि आप अपनी बातों को कुछ लोग, एक या दो लोग यूनिवर्सिटी प्रशासन से जा करके अनुरोध पूर्वक कहें, जो भी यूनिवर्सिटी का निर्णय होगा उसके बारे में उसी तरह से हम लोग कानून का पालन कराते हुए उसको कराएंगे। और हम सभी लोगों से अनुरोध करेंगे कि जहां भी वार्ता करनी हो जा करके शांतिपूर्वक अपनी जा करके वार्ता करें। सर, ये छात्रों की भी मांगे की बातें नहीं सुनी जा रही है, प्रशासन क्या सहयोग? प्रशासन वहां सहयोग, वहां पर अधिकारी हमारे उच्च अधिकारी बैठे हुए हैं, वो जा करके अपनी बात रखें। ऐसा कभी नहीं होता कि प्रशासन बात नहीं सुनता है, बात हर कानूनी बात सुनी जाती है और उस पर कार्रवाई भी की जाती है।